कितनी दबाई गई नारी को, कितनी दबाई गई। विधवा विवाह नहीं कर सकती। फिर पहले तो बाल विवाह होते थे, 5, 6, 7, 8 साल की उम्र में तो विवाह हो जाता था। और मानो 10 साल की उम्र में कोई हादसा ऐसा घट गया कि 10 या 12 साल की उम्र में, अभी शादी भी नहीं हुई होती, कभी कभी तो खाली विवाह संबंध तय किए हुए होते और बंदा मर गया तो विधवा हो गई हो, उसे आजीवन विवाह करने का अधिकार नहीं, जीवन का सुख लेने का अधिकार नहीं, अपना सहयात्री ढूंढने का अधिकार नहीं। सर पे मुंडन रखना कंपलसरी, सफेद कपड़े पहनना कंपलसरी, इतना घूंघट निकालना कंपलसरी है। और ऐसी विधवाओं का शोषण उसके घर में ही किया होता है बड़ों ने, यह भी एक कड़वी वास्तविकता है, कान खोल कर सुन लो। और विधवा को चुप रहना होता है जिंदगी भर। एक अर्थ में आजीवन बलात्कार का भोग बनती रहती है और बाहर से दुनिया को दिखाना पड़ता है कि वो तो भजन भक्ति में लीन है और विधवा है। जबरदस्ती भजन भक्ति थोपा जाता है उसके ऊपर। अरे ये कोई थोपने की चीज है, ये तो सहज स्फुरित है, स्वयं स्फुरित है। इससे आगे की बात करूं दोस्तों, 100 साल पहले तक की बात, बच्ची पैदा होते उसको दूध के पात्र में डुबो देते थे। गुजराती माँ कहवाए दूध पीती करी देवा माँ होती। पैदा होते ही दूध के पात्र में डुबो देते थे, मार देते थे, वो खून नहीं कहलाता, ये तो रीति रिवाज कहलाता था, वो मर्डर नहीं कहलाता था, वो हत्या नहीं कहलाती। एक निर्दोष नवजात बच्ची को मार देना, हत्या कर देना, खून कर देना, ये तो एक परंपरा कहलाती थी। वाह परंपरा, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी परंपरा को, धिक्कार है। क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है लोगों के पास। और क्यों का जवाब नहीं होता ना, तब कुछ चालाक लोग जो धर्म के मंच पर चढ़ बैठे हैं, ऐसे लोग कहते शास्त्र में लिखा है। तंबूरा तेरा बाप शास्त्र में लिखा है? शास्त्र की दुहाई दे देकर खत्म कर दिए समाज को, बहुत हो गया, अब नहीं। मैं भी जब छोटी थी तब यही सब मेरी समझ थी जो दुनिया की है। लेकिन मैं गोपी बनकर कभी किसी साधु संत के शरण में नहीं गई हूं। मेरे माता पिता मेरे गुरु और सदाशिव महादेव मेरे इष्ट देव हैं। खुद समझती गई, सोचती गई, जहां भी मुझे लगा ये गलत है, ऐसी शास्त्र की बातों से मैं ऊपर उठती गई। मैंने स्वयं की सोच को खिलाया और सत्य क्या है उस सत्य को जाना। कबीर ने कहा है ना, तुम कहते हैं कानों की सुनी, मैं कहता हूं आंखों की देखी। कुछ
बाहर की आंखों से देखा, कुछ अंतर की आंखों से देखा। और अंतर की आंखों से देखने के बाद कई पर्दे हट गए और मुझ में साहस आया सत्य बोलने का, सत्य बताने का। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग असत्य में जी रहे हैं तो उसको पालो पोषो। मेरे सच बोलने से काफी लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वे लोगों ने मुझ पर कृपा की है, छोड़कर नहीं गए। यहां तहां भटकने वाले, यहां तहां सबका सा कहीं भी सर टेक देने वाले, कोई समझ नहीं है, कोई समझ दे तो जिसको समझ खिलानी नहीं है, समझना नहीं है, ऐसे लोगों ने तो मुक्त कर दिया मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बरसों से लगता है कि मेरे सत्संग से किसी को फायदा हो या ना हो, मुझे जरूर हो रहा है। और ऐसा नहीं, ये सोशल मीडिया आशीर्वाद रूप भी है। इसमें जैसे गलत चीजें वैसे अच्छी भी है। क्या देखना है, क्या ढूंढना है, ये आपके पास दृष्टि होनी चाहिए। एक अंधा था, कुछ लोगों ने अंधे को कहा कि तू अंधा है, बहुत दुखी है, ये सूरज की रोशनी तू नहीं देख सकता, चांद सितारे नहीं देख सकता, दुनिया में बहुत कुछ सुंदर है, कोई सुंदर चीजें तू नहीं देख सकता। कुदरत ने अनेक रंग बनाए हैं, ये रंग तू नहीं देख सकता, ये नदियां समंदर वादियां तू कुछ नहीं देख सकता। तुझसे दुखी तो कोई नहीं होगा ना। अंधे का जवाब बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। अंधे ने कहा कि मुझसे भी दुखी लोग हैं। बोले तुझसे दुखी कौन? अंधे ने कहा मेरे पास तो आंखें नहीं है इसलिए मैं नहीं देख सकता हूं, लेकिन मुझसे दुखी वे लोग हैं कि जिनके पास आंखें हैं फिर भी जो नहीं देख सकते। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास आंखें हैं, ऐसे लोग भी जो नहीं देख सकते, तो ऐसे अंधों की भीड़ के साथ रंगों की बात करना, सूर्य की बात करना कोई मतलब नहीं। बहरों के पास ज्ञान की बातें करना कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, विषय पर आ रहे हूं। कुछ आंखें वाले अंधों ने कहा नारी नारी मत कर, नारी नरक की खान। तो आगे के चरण में एक सही दृष्टिवान बंदे का स्टेटमेंट है कि नारी को नरक की खान मत कहो, नारी से नर निपजे ध्रुव प्रहलाद समान, नारी से नर निपजे ध्रुव प्रहलाद समान। 5 साल की उम्र में प्रहलाद ने परमात्मा को पा लिया, 5 साल की उम्र में भक्त ध्रुव ने
छह महीने की साधना में साक्षात्कार हो गया उसको, परमात्मा को पाले। दोस्तों, नारी नहीं होती तो इतने सुंदर शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनि कहाँ से मिलते, सुखदेव कहाँ से मिलते, तुलसी कहाँ से मिलते, वेदव्यास कहाँ से आते, वाल्मीकि कहाँ से आते, जरा सोचो तो सही। खैर, बात है कि मैंने जितनी भी बातें कही, कम से कम आधे घंटे से तो बोलती होंगी, कई बातें हुई आधे घंटे में, तो जितनी भी बातें मैंने कही, जितनी भी, उन बातों में कुछ हद तक, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम, लेकिन कुछ हद तक नारी भी जिम्मेवार है। किसी ने कह दिया अबला और तूने मान लिया, जिंदगी की चैलेंज तो उठाओ। मैंने 14 साल की उम्र में जब घर छोड़ा तब मुझे भी बहुत कुछ कहा था, घर से ही शुरू हुआ था, बहुत मुझे दबाने की, चुप करने की, कथा सत्संग नहीं करने के लिए, मूल में स्वतंत्रता नहीं देने के लिए, मूल में बात यह है, पुरुषों के अहंकार को ठेस लगती। हालांकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उसने विरोध नहीं किया, छोड़ो अतीत में नहीं जाना है, मुझे मेरी बातें नहीं करनी है, बात मुझे करनी है कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स जो है, समसामायिक परिस्थितियां जो है, जो समाज के सुलगते प्रश्न है, उस बारे में मुझे सत्संग करना है। लोगों ने भरपूर कोशिश की मुझे निराश करने की, थोड़े नीचे शब्दों में कहूं तो धंधा भाइयों ने ज्यादा की, जो कथा के क्षेत्र में ही है, आज भी है वे लोग, भगवान उसको लंबी उम्र दे मेरी स्वतंत्रता और सुख देखने के लिए। बहुत कोशिश की, भरपूर कोशिश की, बहुत र्यूमर फैलाई, अफवाहें फैलाई। दोस्तों, घर छोड़ने के बाद 10-12 साल तक मैं जूनागढ़ में रही, आज भी वहां मेरा आश्रम है, छोटा सा आश्रम है, हरेश्वर महादेव वहां विराजते हैं। बहुत कथा सत्संग चलते थे। न्यू एसएससी के बाद मैंने घर छोड़ा। कुछ मुद्दे मुझे इसलिए कहने हैं कि आज मैं ये बोल रही हूं तो केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूं, संघर्ष करके बैठी हूं। दोस्तों, न्यू एसएससी के बाद घर छोड़ा था, पैसे तो थे नहीं। हां, मेरे पिताजी को पूरी रामायण कंठस्थ थी और
और बचपन में राम बोलना पहले सीखी थी मैं, ऐसा कहते थे मेरे माता पिता कि माँ बाप बाद में, राम बोलना पहले सीखी थी। चलो कर्म उसका, दया उसकी। तो काफी रामायण मुझे भी कंठस्थ करा दी थी पिताजी ने, तो मेरे लिए एक उत्तम माध्यम था सत्संग का। और मैंने कहा ना कि रोटी तो मिल जाती है, खिचड़ी तो मिल जाती है दो टाइम की, धर्म के नाम पर खिचड़ी नहीं पकानी है, लोगों को तो फाइव स्टार आश्रम चाहिए। इसलिए ढोंग करते, बाकी कोई ढोंग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खाली बैठो ना, चुप होकर मौन रहकर बैठो ना, तो भी लोग आपके पास आकर दस रुपया चरण में छोड़ जाएंगे। ये हमारे अच्छे संस्कार हैं, कुछ देने का भाव है। द धातु देना, ये देव प्रकृति की वजह है, सिर्फ देव प्रकृति का ही है, छोड़ो। मुझे बहुत रस था पढ़ाई में। 25 साल की उम्र में मुझे यूरोप से इनविटेशन मिला, लंदन से वैमली में, वैमली के राउंडवुड पार्क में मेरी राम कथा हुई। ऐसा नहीं कि यहाँ ही ये सब अंधश्रद्धा और धर्म का राजकारण, एक दो ऐसे बैठे हैं कि बस जो वो चाहे ऐसा ही होना चाहिए, उसकी अंगुली पकड़ो पकड़ो तो ही आप आगे निकल पाओ। कहाँ जाना है आगे निकल कर, ये समझ में नहीं आता है मुझे, और पहुँचता कहीं भी नहीं। ये बंदा भागता बहुत है, कितनों की चापलूसी करता है, कितनों की चमचागिरी करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, खुददारी के साथ जियो। जब मैं वहाँ गई तब मुझे पूछते थे लोग, आप कितना पढ़िए? तब मैं कहती थी न्यू एसएससी। तब मुझे एहसास हुआ कि अध्ययन जरूरी है। अध्ययन सब कुछ नहीं है, लेकिन अध्ययन जरूरी है। अध्ययनशील व्यक्ति जो होता है ना, उसमें कुछ गुण अपने आप खिल उठते हैं, उसे सिखाना नहीं पड़ता, काफी चीजें हमें अध्ययन सिखा देता है। तो फिर जूनागढ़ में रहकर तो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए ज्यादा पढ़ना, फिर भी मैंने बीए कर लिया वहां आश्रम में रहते हुए। 5-6 साल म्यूजिक में भी कर लिया अभ्यास, वहां भी निंदा बहुत हुई कि तो संगीत सीखने जाती है, नहीं तो वो है ना वो है ना, कॉलेज जाती है। हालांकि कोरेस्पोंडेंस कोर्स से कर रही थी, फिर भी एसएनडीटी कॉलेज थी वहां, तो कभी कभी जाना पड़ता था परीक्षा देने के लिए, तो जाना ही पड़ता है सेंटर पर। लोग बहुत अजीब तरीके से मुझे देखते थे कि जैसे मैं कोई गुनाह कर रही हूं। बीए तक तो कंप्लीट किया, आई गॉट फर्स्ट क्लास। फिर मैंने सोचा कि जूनागढ़ में रहकर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मुझे ज्यादा नहीं अभ्यास करना है, मुझे एमएस यूनिवर्सिटी से अभ्यास करना है। तो मैं वडोदरा आई, जूनागढ़ का आश्रम किसी को सौंप कर मैं वडोदरा आई। वडोदरा में एमए कंप्लीट किया एमएस यूनिवर्सिटी से, फिर पीएचडी ज्वाइंट किया, रामचरितमानस पर पीएचडी कंप्लीट की। इतने में मेरे 5-7 साल गुजर गए। बड़ौदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है वडोदरा ने, मुझे स्नेह दिया है, कलाकारों का स्नेह, कवियों का स्नेह, बहुत कुछ दिया है वडोदरा ने मुझे, विद्या अर्जन मेरे हुआ यहाँ। अब सिचुएशन देखो, वहां से मैं वडोदरा आई और 6 साल के बाद मुझे लगा कि ठीक है वडोदरा ही, साधु तो चलता भला, कहीं भी रहना ही है मुझे। तो वडोदरा में मैं स्थिर हो गई और मुझे पढ़ना था, तो पीएचडी मुझे कोई किसी और के पास थीसिस नहीं लिखवानी थी पैसे देकर के, भाई आप लिख दो और मेरे आगे डॉक्टर लग जाए,
मुझे खुद को पढ़ना था और इसलिए मैं अज्ञातवास में रही, एक प्रकार से अज्ञातवास ही देख लो। बहुत कम लोगों को पता था कि मैं वडोदरा में हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ इकट्ठी करनी नहीं थी, मुझे पढ़ना था। और ये 6-7 साल दौरान मैं ज्यादा कथा सत्संग में ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मेरा सत्संग था पढ़ाई लिखाई। तब भरपेट लाभ उठाया कुछ द्वेषी प्रकृति के लोगों ने कि उसने तो शादी कर ली, वो कहीं चली गई, ऐसा है वैसा है। इतनी परेशानियां मुझे हुई है कि मेरी जगह कोई और लड़की होती साधारण, तो 2-4 आत्महत्या कर लेती, 2-4 बार हो जाती उसके जीवन में। इतनी परेशानियां, इतनी निंदा मैंने झेली, और निंदा करने वाले वही सब धर्म के मंच पर से बोलते हैं कि किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि उन लोगों की जब निंदा शुरू हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि ये निंदा से क्या होता है, क्या तकलीफ होती है, क्या पीड़ा होती है। छोड़ो, मैंने इतनी बात इसलिए बताई, मेरी आज मुझे 60 साल हुए, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, पूर्ण स्वतंत्र, शांति से जीवन बसर हो रहा है, कोई बड़ा भीड़ भड़ाका नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई धतिंग नहीं, कोई दोरा धागा नहीं, कुछ नहीं। खुश हूं मैं, रियल में आई एम वेरी हैप्पी। मैं बच गई, उस माहौल में रहते हुए भी मैं बच गई, क्योंकि आज का माहौल तो धर्म के मंच पर बहुत जितने भी लोग हैं सब खराब है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, बहुत अच्छे लोग भी उसमें, लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है ये आप भी जानते, मैं भी जानती हूं। पढ़ा लिखा आदमी जब शुरू करता है ना लोगों को ठगना, तब बहुत अच्छी तरह से ठग सकता है, लेकिन इसलिए हमारी पढ़ाई नहीं है कि हम लोगों को मूर्ख बनाएं, लोगों को हम हमारी वाणी से इम्प्रेस करें, और इम्प्रेस करके फिर उसकी जेब काटे। नहीं दोस्तों, अब मैं आती हूं विषय पर। जितना भी मैं बोली नारियों पर, नारियों की मजबूरी पर, उसकी विवशता पर, उसके अत्याचारों पर, उस पर जो अत्याचार होते हैं उस पर, इसमें कुछ हद तक नारी जिम्मेदार है। मैंने मेरा दृष्टांत क्यों दिया, मुझसे अच्छा दृष्टांत कोई मेरे पास नहीं है। बहुत कोशिश हुई घर से लेकर बाहर तक सबकी ओर से कि मैं मेरा क्षेत्र छोड़ दूं। क्या तकलीफ थी उन लोगों से मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ था, उन लोगों के जैसी हो जाऊं। अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं, एक बंदे के थंब के निशान सेम नहीं होते हैं, दो बंदे की आवाज सेम नहीं होती है, दो बंदे की चाल सेम नहीं हो सकती है, दो बंदे की सोच सेम नहीं हो सकती है, तो मैं कैसे उन लोगों के जैसे बन जाऊं। मैं जहां हूं जैसे हूं वैसे ठीक हूं, मुझे इतना पता है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूं और बुरा देख नहीं सकती हूं। आज मेरी बातों में कुछ आक्रोश लगा हो आपको
तो इसका कारण यही है कि मुझसे देखा नहीं जाता है आज के समाज की परिस्थिति। दुष्यंत कुमार ने कहा है ना कि पीर पर्वत बन चुकी है, पीड़ा पर्वत बन चुकी है, पीर पर्वत बन चुकी है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत बन चुकी है अब पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा उतरनी चाहिए। राम तेरी गंगा मैली हो गई, एक गंगा नहीं हजारों गंगा को हजारों लोग रोज मैली करते हैं,